आजमगढ़ जिला के सगड़ी तहसील क्षेत्र में गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को विदाई पार्टी दी गई। उनके होने वाले पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस बात के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। सीनियर छात्र छात्राओं के विदाई को समारोह पूर्वक मनाते हुए स्कूल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। 10वीं की छात्र छात्राओं के लिए क्लास 9वीं की छात्र छात्राओं द्वारा फेयरवेल पार्टी का रंगारंग आयोजन किया गया। 9वीं के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर के लिए अनेक सांस्कृतिक व मॉडर्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करने के साथ किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को सीनियर छात्राओं ने खूब सराहा। छात्राओं के नृत्य एवं विभिन्न गीतों और गायन से वहां उपस्थित श्रोताओं को खूब लुभाया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा ने कहा कि 9वीं की छात्राओं द्वारा बहुत ही कम समय में कार्यक्रम तैयार किया गया। हम लोग यह कार्यक्रम प्रति वर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं के बच्चों का एग्जाम नज़दीक है, उन्हें किसी बात को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की। मैनेजर दीनानाथ शर्मा ने कहा कि बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही काफ़ी उत्साहित थे। आज वह यह कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय रहा। परीक्षाएं नज़दीक हैं और बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने विद्यालय और जिले का नाम रोशन करें। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं प्रिंसिपल शिव कुमार शर्मा, जीनपुर आजमगढ़। सर, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? सर, आज मेरे विद्यालय में फेयरवेल का कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि क्लास 10 के बच्चों का 21 मार्च फेब से एग्जाम शुरू हो गया बोर्ड का, तो क्लास 9 के बच्चों ने इन लोगों के लिए फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश रहेगा? सर, चूँकि ये एक ट्रेडिशनल कार्यक्रम है जो हर वर्ष हम लोग क्लास 10 के बच्चों को देते हैं, तो इसमें सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे क्लास 10 के बच्चों से कि बोर्ड का एग्ज़ाम सामने है, डोंट बी नर्वस, बी फोकस ऑन योर स्टडीज। कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा करने की उनको ज़रूरत नहीं है और थोड़ा संयम से काम लेंगे तो रिजल्ट अच्छा उनका हो सकता है। इस कार्यक्रम के लिए क्लास 9 के बच्चों ने बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज किया है और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी वो कर रहे हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए, तो एक बहुत अच्छी अनुभूति है। एक अच्छा आपका लगता है क्लास 9 के बच्चों का जो आपका मिल रहा है सपोर्ट उसके लिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्षा चौरसिया है। अच्छा, ये किस तरह का आपके विद्यालय में कार्यक्रम आज किया गया? मतलब क्या क्या कार्यक्रम में फेयरवेल पार्टी में? क्या क्या पार्टी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा, क्लास 9 के बच्चों ने बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा, इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया कि पूछिए ही मत। हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे लिए एक गेम का भी ऑर्गेनाइज किया गया है जिसकी वजह से हमें ट्रॉफी दी जाएगी, जिसमें 18 बच्चे थे फर्स्ट थर्ड राउंड में, फिर सेकेंड राउंड हुए उसमें से 10 बच्चे हैं और फिर लास्ट राउंड में हमारे विजेता होंगे जो कि उनको मिस्टर एंड मिसेस गुरुकुल का अवार्ड मिलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं और जो छोटे बच्चों के बच्चे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम छोटे बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हाँ, हम बोलना चाहेंगे कि वो पढ़ें लिखें और अपने फ्यूचर के आगे जाएं। अच्छा, क्या आप आगे का कुछ सोचे हैं कि आपको पढ़ाई करके आगे क्या बनना? आगे अभी नहीं सोचा है।